युद्ध को चलते चलते 15 रोज बीत जाते हैं और 15 रोज के युद्ध में 10 रोज युद्ध पितामह भीष्म ने किया, वो भी सरसैया पर लेट गए। पितामह भीष्म के बाद दुर्योधन ने कौरवों ने कुलगुरु द्रोणाचार्य को अपना सेनापति बनाया, वो भी 11वां 12वां 13वां 14वां 15वें दिन वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। 16वें दिन के लिए दुर्योधन को फिर सेनापति चाहिए था। बड़े सोच और विचार से शिविर में अपनी सेना को इकट्ठा किया और कहने लगे कि अब सेना का सेनापति किसे बनाऊं। सबके मुख से एक आवाज निकली कि युवराज दुर्योधन, अगर इस युद्ध में अपने कौरवों की जान की खैर चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ सेना का सेनापति अंगराज कर्ण को बना दो, और ना तो ये पांडव एक एक करके हमें सब भस्म कर देंगे। दुर्योधन भी यही चाहता था कि बुराई तेरे ऊपर ना है। इतना कहते ही दुर्योधन ने सेनापति का ताज कर्ण के सिर पर रख दिया और कर्ण के सेनापति बनते कर्ण के नाम के जय जयकारे अंबर में गूंज गए। और जयकारों की घोष जब अंबर में गूंजी तो भगवान श्री कृष्ण भगवान जो पांडव के शिविर में बैठे एकदम से कांप उठे, कहने लगे मनी मन में कि अगर कल के युद्ध में यानी 16वें दिन के युद्ध में अगर सेनापति के रूप में कौरवों की तरफ से कर्ण आ गया तो कोई जगह कोई बाकी नहीं छोड़े। अब तो राजमाता महारानी कुंती को इशारा करते हैं कि अगर पांचों बेटों की खैर चाहती हो तो जो वर्षों से दबाया हुआ वो भेद है वो कर्ण के सामने जाकर के खोल दो, और ना तो आज तेरे 5 की 5 खत्म। इतना सुनते ही अपने पांचों बेटों के प्राणों की भीख लेने के लिए राजमाता महारानी कुंती नंगे पैर सुबह सुबह सूर्योदय होने से पहले कर्ण के शिविर में आ जाती है। कर्ण क्या कहता है, महारानी कुंती क्या कहती है, आइए। अंदरूनी तो वो माँ बेटा है आप सभी जानते हैं, लेकिन कर्ण को ये पता नहीं है कि ये तेरी माँ है। आइए, कुंती को तो ये पता था कि कर्ण मेरा बेटा है, लेकिन कर्ण को ये पता नहीं था कि कुंती मेरी माँ है। आइए, रागिणी का हवाला आपके बीच में रहेगा, सुने। आइए आइए महारानी कुंती, आइए। सूत पुत्र कर्ण के शिविर में महारानी कुंती का बहुत बहुत स्वागत। बेटा कर्ण, मैं यहाँ पे अपना स्वागत या सम्मान करवाने के लिए नहीं आई हूँ। अच्छा। हाँ, मैं किसी जरूरी काम से यहाँ पे आई हूँ बेटा। एक सूत पुत्र के पास और महारानी कुंती जरूरी काम से। हाँ। बात कुछ जमी नहीं, ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया जो बहुत जरूरी काम जो महारानी कुंती को एक बहुत जरूरी काम एक मामूली से सूत पुत्र से पड़ गया। हाँ, क्या काम? मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, और काम यह है कि मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ, और वो राज बताना चाहती हूँ जिस राज को आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। ऐसा कैसा राज जो तुमने किसी को नहीं बताया, और सिर पर सिर्फ सुबह सुबह सूर्य उदय होने से पहले इसे सूत पुत्र को बताने के लिए आई हो। हाँ बेटा, मैंने आपका स्वागत कर दिया लेकिन एक काम मैंने नहीं किया। कौन सा काम? क्षमा चाहूंगा, मेरी बात सुनिए। कहिए बेटा। ओ सुत दानी बेटा कर्ण, तुम्हारा प्रणाम मैं स्वीकार कर लूंगी, लेकिन एक बात है। राजमाता कुंती को ये सूत पुत्र कर्ण हाथ जोड़कर के सर झुका करके प्रणाम करता है। अब अपना काम बताइए।
माता कह के बोल लाडले खटके तेरी वाणी, माता कह के बोल लाडले खटके तेरी वाणी। अरे हाथ जोड़े परिणाम करे, हाथ जोड़े परिणाम करे तुझे ये राधा सुत रानी। समझ ना आता दिल पे भारी चोट लगी मेरा फटा कॉल जा जाता, दिल पे भारी चोट लगी मेरा फटा कॉल जा जाता। अरे सर नीचा क्यों कर राख्या तू, सर नीचा क्यों कर राख्या तू, सर नीचा क्यों कर राख्या तो पांडू की महारानी। माता कह के बोल लाडले खटके तेरी वाणी, माता कह के बोल लाडले खटके तेरी वाणी। बात और बता दे, पूछो बेटा। तेरी छाती फटी नहीं फिर तेरी छाती फटी नहीं, तने क्यों कर मैं ठुकराया। मैंने तुम्हें जन्म तो दे दिया लेकिन 9 महीने तक अपनी कोख में अपने खून से भी सींचा। अच्छा, लेकिन जन्म देने की बात तुम्हारा पालन पोषण नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मजबूरी थी। मजबूरी थी, सुनना चाहते हो क्या मजबूरी थी? कुआरी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया, कुआरी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। अरे तेरे जैसी आज तलक ना देखी बेटे खानी। माता कह के बोल लाडले खटके तेरी वाणी, माता कह के बोल लाडले खटके तेरी वाणी।
तू मतलब खातर इस रिश्ते ने याद दिलावन आई, अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मनावन आई, अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मनावन आई। तू तो मेरे दिल पे चीरा दे के, मेरे दिल पे चीरा दे के नमक लगावन आई। पांचों पांडव तेरे भाई में यूं समझावन आई, पांचों पांडव तेरे भाई में यूं समझावन आई। अरे पांचों पांडव मेरे भाई, हाँ बेटा, मने यूं समझावन आई, हाँ बेटा। और कुंती तू तो बता दे किस लिए आई है। मैं तुम्हें यही समझाने आई हूँ कि वो पांचों पांडव कोई गैर नहीं, इतना तुम्हारे अपने सगे भाई हैं। इतना बताने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सब कुछ बताने के लिए, यहाँ तक की कहानी बताने के लिए राजमाता महारानी कुंती का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं बता दूं और साफ साफ कह दूं। क्या बेटा? अरे मांग लिए क्या चाहिए तनेरी, मांग अरे मांग लिए क्या क्या चाहिए तनेरी, मांग लिए क्या चाहिए तनेरी, तो खोल बता परेशानी। माता कह के वो लाडले छटके से तेरी वाणी, माता कह के वो लाडले छटके से तेरी वाणी। नहीं करूंगा। कौन सा काम नहीं करोगे? वो चाहे तुम मुझसे वचन भी भरवा लो, चाहे मुझे वचन हार होना पड़े, पर एक काम तो जब भी नहीं करूंगा। कौन सा? कुछ मांग लो, तुम ही मांग लो। पहले तुम ही बताओ बेटा कि कौन सा काम नहीं करोगे। सजनों, ये करण का प्रण था और ये एक मिसाल भी है कि यारी हो तो करण जैसे। मैं दुर्योधन का साथ न छोड़ू, मैं दुर्योधन का साथ न छोड़ू, मांग ले और बकाया। तुमने अभी कहा कि मैं जो भी मांगना चाहती हूँ तुमसे मांग सकती हूँ। तुम जो भी मांगना चाहो मांग सकती हो, लेकिन मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर लेकिन मैं यही मांगना चाहती हूँ। अगर ये मांगने के लिए आई हो तो तुम जा सकती हो। या नहीं, सूर्य निकलने से पहले जो भी तुम्हारे पास आता है और जो भी मांगता है तुम उसको वही देते हो। तो मैंने तो पहले बता दिया, इसलिए मैं पहले कह रहा था कि मांग लो, हो सकता है अगर मेरे
मेरे मांगने से पहले अगर तुम इसको भी मांगती तो मुझे सोच और विचार करना होता, लेकिन इब तो मैंने रास्ता चुन लिया कि मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। चाहे सूरज अपनी तपन छोड़ दे, चाहे सूरज अपनी तपन छोड़ दे, चंद्रमा चाहे शीतलता त्याग दे, हिमालय चाहे जगह छोड़ दे, गंगा चाहे अपनी धार की रुख मोड़ दे, लेकिन ये करण मर सकता है लेकिन अपने परम मित्र यार दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। लेकिन तुम्हें दुर्योधन का साथ छोड़ना ही होगा बेटा। नहीं छोड़ूंगा। मैं यही मांगना चाहती हूँ कि उस दुर्योधन का साथ छोड़ो और मेरे साथ वापस चलो। अगर ये मांगने के लिए आई हो तो जलालपुर से बाहर हो जाइए। ऐसे नहीं जाऊंगी। बेशक जा सकती हो। नहीं जा सकती। कोई जरूरत नहीं। नहीं जाऊंगी जब तक दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा। मैं मर जाऊंगा पर नहीं छोड़ूंगा दुर्योधन का साथ। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हट का हटीला है। परण का परिला हूँ और हट का हटीला हूँ। दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ूंगा। अगर दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा तो तूने कहा था कि सूर्य निकलने से पहले जो भी मेरे पास आता है और जो भी मांगता है तू उसको वही देता है। हाँ। मैंने मांगा दुर्योधन का साथ छोड़ दे तो तूने नहीं दिया। मैं एक मांग और मांगना चाहती हूँ। अगर तू दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता तो ला। क्या दे दूं? जो तेरे पास गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं, जिन 5 बाणों पे तूने मेरे 5 बेटों का नाम लिख रखा है, उन बाणों को मुझे दे दे बेटा और मेरी 5 बेटों की जान बख्श दे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार। गुरु परशुराम की दी हुई शक्ति जो मेरे पास है और उस शक्ति में तेरे 5 पुत्रों के प्राण है, तो मैं 5 बेटे को प्राणों की भीख तुम्हें झोली में चाहिए। हाँ, एक माँ झोली फैलाकर अपने बेटों की भीख मांग रही है। एक तो तूने 9 महीने गर्भ में रख करके जन्म दे करके मेरे साथ में छल कर दिया और इतने दिन के बाद आकर के भेद सुना करके एक छल और भी तूने मेरे साथ। मैंने कोई छल नहीं किया। मैंने कहा दुर्योधन का साथ छोड़ दे लेकिन तूने साफ साफ इनकार कर दिया। अगर दुर्योधन का साथ छोड़ देता तो मुझे इन बाणों की जरूरत नहीं थी। इतने दिन के बाद मेरे बेटे दान मांगने आई है। काश कि इन शक्तियों को, इस वरदान को तू आज से पहले ले जाती तो करण को कोई दुख नहीं होता, लेकिन आज बड़ा दुख है। मेरे परम मित्र यार दुर्योधन ने बड़े सोच और विचार से मुझे अपनी सेना का सेनापति बनाया है। मैं दुर्योधन के एहसान को भूल नहीं सकता, लेकिन इतने दिन के बाद मेरे पे गुदान मांगने आई है और जिन बाणों पे गर्व मुझे वो बाण मांगने आई हो। कितने बेटे हैं तेरे? 6 बेटे हैं मेरे। जब 6 बेटे हैं तेरे, जब 6 बेटे हैं तेरे, 5 के क्यों प्राण मांगने आई हो? और बाणों का तो जिक्र, करण की तू जान मांगने आई हो। करण की तुम जान मांगने? मैं अपने बेटे करण की जान नहीं मांगना चाहती। 5 बेटों की जान इसलिए मांगी है क्योंकि अपने जो दुर्योधन है वो मेरे 5 बेटों का दुश्मन है और उस दुश्मन के साथ मिलकर मेरा 6 बेटा 5 बेटों को मारना चाहता है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि भाई आपस में भाई भाई लड़ लड़कर मर जाए, इसलिए तो उससे उन बाणों को मांगने आई हूँ। तो भी क्या याद रखेगी? जाओ जाओ महारानी जाओ। ये करण महारानी कुंती को 5 पुत्रों के प्राणों की भीख झोली में देता है। वाह बेटा वाह। लेकिन क्या दुनिया में तुमने बताया कि मेरे 6 पुत्र हैं और 5 की माँ कहलाती हो? 5 ही रहेंगे, 5 ही जिंदे रहेंगे, 6 नहीं रहेंगे। बेटे तो तुमने बता दिए 6 हैं। हाँ। लेकिन 5 रहेंगे? लेकिन मैं अपने 5 रहेंगे 5। वो कैसे? वो ऐसे कि आशा तृष्णा मोह माया के बंधे जाल रह जाएंगे। साथी बात अच्छी लगे तो तालियों का प्यार चाहूंगा। कि आशा तृष्णा मोह माया के बंधे जाल रह जाएंगे, इन बातों के सबके दिल में धरे ख्याल रह जाएंगे। करण अर्जुन के बाणों से धरती अंबर हाल हाल रह जाएंगे। और जा करण मरे या अर्जुन, मात्र 5 लाल रह जाएंगे, मात्र 5 लाल रह जाएंगे। लेकिन मैं अपने 6 के 6 बेटों को जिंदा देखना चाहती हूँ। युद्ध क्षेत्र के मैदान में अगर ये करण मारा गया तो तेरे यूं की यूं ही 5 है। और युद्ध क्षेत्र के मैदान में कारणवश किसी, क्योंकि मेरा उन चारों से कोई बैर नहीं है, अगर मेरा सामना है तो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन से है।
उन चारों की तरफ मैं करड़ी नजर भी नहीं देखूंगा, हाथ उठाने की तो बात अलग। मेरा सामना अर्जुन से है, अर्जुन ने मुझे मार दिया तो तेरे न्यू की न्यू ही पांच, और कारण बस मैंने अर्जुन को मार दिया तो जा, मैं वचन देता हूं कि उसी समय तुम्हारा पांचवा पुत्र बन करके तुम्हारे शिविर में आ लूंगा। सुनिए मेरी बात, कहिए बेटा। अरे दुर्योधन का साथ न छोड़ूं, दुर्योधन का साथ न छोड़ूं, मांग ले और बकाया मेरे बेटों की जान बकस दे, कर दे मन का चाहया। मेरे बेटों की जान बकस दे, कर दे मन का चाहया। हर कलम उठा हरे राम भोसले, कलम उठा हरे राम भोसले, लिख दे धर्म कहानी। माता कह के बोल लाडले, फट गए तेरी वाणी। माता कह के बोल लाडले, फट गए तेरी वाणी। और हाथ जोड़े परिणाम करे रे, हाथ जोड़े परिणाम करे, तुझे ये राधा सुत दानी।